ये है मेरा आज का। लेडीज बदनाम होती है इस चीज के लिए कि लेट करती हैं। सलमान खान का स्कूल द संध्या स्कूल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है बेहतरीन नाश्ते के साथ। तो देखिए क्या क्या है, पोहा है, पुडिंग है, यहाँ पोहे का मसाला है, यहाँ पे उत्पम इडली सांभर है, यहाँ चटनी है, इसमें क्या है, इसमें कचौरी सब्जी मालपुआ है, इधर एग था मैंने नहीं खोला। ये हमारा रेस्टोरेंट है होटल का जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। ये मेरी प्लेट है, पोहा, बेदनी पूड़ी, सब्जी, उत्पम, इडली और चटनी, और ये है साबू और चाचा चौधरी। गुड मॉर्निंग, मेरे चैनल घर द्वार और लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा शोर ज़्यादा है, सुबह हो चुकी है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करके बस टहलने आए थे, और आज बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ घूमने जाना है। तो ग्वालियर में जो भी अच्छी और फेमस चीज़ें होंगी हम लोग वहाँ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ब्लॉग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो, मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, तो रेडी होकर के हम लोग निकलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है सुबह से सबके कॉल। भाई एनिवर्सरी है मेरी, शादी की सालगिरह है। ओह माय गॉड, सुबह से सबके कॉल आ रहे थे, सबको अटेंड करना था, सबसे बात करना था। पांडे जी भी लाइक, वीडियो बंद कर, जल्दी तैयार हो, चलें, चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये है मेरा आज का लुक, wow! यानी मेरी एनिवर्सरी का लुक। जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। भाई मैं हमेशा झल्ली बनी रहती हूँ, मैं तुझसे नहीं पूछा अपना हाथ हटा। आई डोंट केयर, मैं हमेशा झल्ली बनी रहती हूँ। आज मैं इतने परफेक्ट तरह से तैयार हूँ तो भाई कॉम्प्लीमेंट तो बनता है। क्यों बनता है, क्यों बनता है? तू आज तेरे को नहीं बोला बोलने को, तू आज तेरे को नहीं बोला बोलने को। तो हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, ग्वालियर का किला एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सुनने को मिला है कि वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ सास बहु मंदिर भी पास में है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। ग्वालियर का किला अपने आप में बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। मेरे साथ है कैमरा मैन कुहू। ये है आज कुहू का लुक, एक सिंपल सी प्यारी सी प्रिटी सी फ्लोरी फ्रॉक, और इसमें पोनीटेल बांध। और ये है हम दोनों माँ बेटी व्लॉग, मदर डॉटर व्लॉग, माँ बेटी व्लॉग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं बीच में ही बोल रही हूँ, शुरुआत में ही बोल रही हूँ, जाकर के वीडियो देखिए, सारी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं कैमरा से, और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी। मैं वेट कर रही हूँ। देखिए मैं हमेशा लेडीज बदनाम होती है इस चीज के लिए कि लेट करती हैं, जल्दी नहीं करती। बात तो सही है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं फोटो खिंचवा चुकी हूँ, मैंने कुहू को रेडी कर दिया है, मैंने अपने रील्स फोटो सब कुछ कर लिए हैं। बट मेरे पीछे ही है, ये देखिए इनका लैपटॉप में कुछ काम चल रहा है, तो जब ये फिनिश होगा उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने अगले गंतव्य बोलते हैं, चलिए अगले स्थान के लिए। मुझे कोई करेक्ट भी नहीं करता है। ओह यार, कितनी औसम है। क्यों पांडे जी, आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी, वक्त था दोपहर का, दिन की शादी, रात का रिसेप्शन। अभी तक मैंने जितना ये शहर कल रात से घूमा है, देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इस तरह से कि बहुत ठहराव है, मतलब हम दोनों को, मुझे और पांडे जी को, दोनों को ही वैसे शहर बहुत अट्रैक्ट करते हैं जिनमें ठहराव है। अच्छा, जहाँ पे आप जाओ तो आपको इतना लगे कि यार हम कहाँ आ गए, बहुत बिजी लाइफ है, बहुत कुछ। यहाँ लग रहा है कि हाँ जैसे यहाँ हम लोग रहते थे, मतलब जैसे हमारा शहर जहाँ से हम आ रहे हैं, लखनऊ की बात नहीं करूंगी, बाकी शहर जहाँ जहाँ अभी हम लोग रहे हैं, तो उनमें एक ठहराव रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हाँ एक रिलैक्स कर सकते हैं हम यहाँ आ करके। चलिए आगे चलते हैं। जिन्होंने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि मुझे ये किले वगैरह
बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मुझे घूमने में पुरानी चीजें, ऐतिहासिक चीजें देखने में बड़ा मजा आता है। तो आज तो मेरे एक्साइटमेंट लेवल का कोई सीमा ही नहीं है जी। हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर फोर्ट में। इसके गेट से, ये कोई गेट है, उरई गेट, उस साइड से हम अंदर जा रहे हैं। ये है ग्वालियर का वो किला जिसका जिक्र मैं आपसे पूरे वीडियो में करती आई हूँ। एक गाइड किया है जिन्होंने हमें ये बताया है कि इस ग्वालियर फोर्ट में 8 जगह है जो वो हमें एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो 8 जगह कौन कौन सी है। और जो भी टेम्पल्स हैं वो फोर्ट के बाहर है, इसी प्रॉपर्टी में है बट फोर्ट के बाहर है। एक राजा हुआ करते थे सूरज सेन, वो इस पहाड़ पर शिकार करने के लिए आया करते थे। जब राजा सूरज सेन इस पहाड़ पर शिकार करने के लिए आए तो उनकी पूरी बॉडी में लेप्रोसी का बीमारी था, कुछ इस पहाड़ पे आके वो अपनी सैनिक से पिछड़ गए और एक साधु से आकर मिले। उन साधु का नाम ग्वालक ऋषि के नाम से जाना जाता था। इस पहाड़ पर तपस्या किया गया, वो साधु से मिलकर बोलते थे कि राजा सूरज सेन के कुष्ठ रोग को ठीक करने वाले ऋषि ग्वालिपा के ही नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं राजा मानसिंह मंदिर। अभी आगे चलते हैं। ग्वालियर किले पर ये नीले रंग की मीनाकारी जो आप देख रहे हैं, ये जब ये किला बना था 6वीं शताब्दी में, तब से ही एज इट इज है। यहाँ हम आ गए ग्वालियर फोर्ट के अंदर जहाँ दीवाने आम, दीवाने खास सब बना हुआ है। इसके अलावा भी 7 जगह हम और जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मानसिंह जो है ये अकबर के समय में जो जयपुर के राजा थे ये वो नहीं हैं, ये मानसिंह तोमर हैं जो तोमर राजपूत थे। ये देखिए, ये रानियों के बैठने की जगह थी, ऊपर वो बैठती थी, झरोके थे। ये मंदिर है, ये चारों तरफ जो छोटी छोटी खिड़कियां देख रहे हैं इसमें मूर्तियां होती थी। मंदिर के चारों तरफ वो जगह है जहां परिक्रमा लगाई जाती थी। ये चिन्ह ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, शूद्र, 4 जातियों को दर्शाता है। पांडे जी को और कुहू को मैंने भेज दिया है अंदर। ये देखिए, जस्ट बिकॉज मुझे सफोकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इस वजह से मैं आगे नहीं जा रही हूँ। हालांकि हमें जाना था इस एरिया में, मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं चलती हूँ बाहर। आपको ऐसी हवा और ऐसा सुख एसी की हवा में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, समझ रहे हो। ग्वालियर फोर्ट में टोटल 8 प्लेसेस हैं जो आप देख सकते हैं। अभी हमने देखा मानसिंह मंदिर, अब हम जा रहे हैं आगे की जगह पर। मेरे वीडियो में ना ये दोनों फादर डॉटर आपको जरूर दिखेंगे, कोई भी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए। मैं चल नहीं पाती और ये दोनों इतने फास्ट चले जाते हैं ना कि हमेशा मेरे फ्रेम में आते हैं। इस जगह पर स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं। हमारे देखते देखते 4-5 स्कूलों के बच्चे आए थे। ये यहाँ पे है करण महल, ये है विक्रम महल। मान सिंह की जो पत्नी थी मृग नैनी, उनके पुत्र का ये महल है। ये 500 वर्ष पुराना शिवलिंग है जो पुरातत्व वालों को यहाँ पर मिला। अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां इस फोर्ट के सैनिक रहा करते थे। ग्वालियर फोर्ट गोपाचल पहाड़ी पर है। इसके निर्माण में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी तो यहां ये बावड़ी बना दी गई, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पानी लाना तो पॉसिबल था नहीं। तो पानी नहीं होता, नहीं तो चंद्र चांद चांद सीरियसली
लो यहाँ पे चढ़ के कोई कैसे नाम लिख सकता है, जमीन से इतना ऊपर है और एक सिर्फ छतरी है। अब हम आ गए हैं इस किले में ही स्थित जहांगीर पैलेस में। ये वो जगह है जहां घोड़ों का अस्तबल था, घोड़े बांधे जाते थे। अब जा रहे हैं हम अंदर, देखते हैं और क्या क्या। इसकी बनावटी थोड़ा मुगल काल की है क्योंकि ये जहांगीर पैलेस है। कहते हैं यहां से सिटी का व्यू बहुत सुंदर लगता है। चलिए देखते हैं। वाओ, लुक एट द सिटी यार, ओह माय गॉड। सच में महल, फोर्ट इन सब का अपना ही है, लेकिन प्लीज डोंट डू दिस यार, डोंट डू दिस। बहुत प्रीशियस चीजें हैं ये सब, ये किले जो आज बचे हुए हैं बहुत ही प्रीशियस हैं, इनको ये नाम लिख करके खराब मत कीजिए। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी नौवीं शादी मृगनैनी से की थी। ये नीचे उनका ही किला है जो अब म्यूजियम में परिवर्तित हो चुका है। फोर्ट के बैक साइड पर ब्रिटिशर्स के समय का ये एक ऑफिस बना हुआ है, ये पानी का पॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर लाइन से 12 कमरे बने हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कमरे बॉडीगार्ड्स के लिए बनाए गए थे। फोर्ट के बैक साइड में ये एक छतरी बनी है, जब राजा का देहांत हो जाता है तो उनकी याद में एक छतरिया बनाई जाती है। अच्छा, साबू और चाचा चौधरी की जोड़ी। को बेटा, नौटंकी करने से अच्छा है पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये था हमारा ग्वालियर फोर्ट का सफर। अभी आगे और बहुत कुछ है देखने के लिए। थोड़ा जलपान हो जाए? नहीं कॉफी तो नहीं, लेकिन चाय का एक ब्रेक तो बनता है, तो हम चाय पी रहे हैं। तू तुम क्या ले रही हो? पेटीज और मैगी। पेटीज और मैगी बहुत, बाप रे। तो हमारा ग्वालियर फोर्ट का जो दर्शन सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं सास बहु टेम्पल की तरफ। और जाना किधर है? आई थिंक इधर, राइट, इधर ही जाना है, कॉर्नर साइड पे था। तो अब हम जा रहे हैं सास बहु टेम्पल देखने। उस टेम्पल की स्टोरी ये है कि उससे जिस राजा ने बनवाया था, उनकी जो माता जी थी वो विष्णु जी को पूजती थी, और उनकी जिनसे शादी हुई वो शंकर जी को पूजती थी। तो बेचारे राजा जी ने दोनों का मान रखते हुए, दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए दोनों टेम्पल वहां पे बनवाए। विष्णु जी का भी एक टेम्पल है वहां पे, और दूसरा टेम्पल है शंकर जी का, शिवलिंग। तो बस हम भी जा रहे हैं भाई। मतलब ये रीत पुरानी है कि हस्बैंड्स को माँ का मन भी रखना पड़ता है और अपनी वाइफ का भी मन रखना पड़ता है। तो देखते हैं चल के वहाँ क्या और क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद एक और मंदिर है, वहां पे भी मैं आपको लेके चलती हूँ। हम पहुंच चुके हैं सास बहु मंदिर के पास। ये सामने है सास का मंदिर जो था विष्णु जी का मंदिर। इसका गर्भगृह बेहद खूबसूरत है। ये विष्णु जी के हजारों भुजाओं के आकार में बनाया गया है, और इसकी नक्काशी, इसकी कला बेहद खूबसूरत है। आप देखिए, जैसे दक्षिण के जो मंदिर होते हैं, दक्षिण साउथ के जो मंदिर होते हैं, उन जैसी कुछ इसकी नक्काशी है जो कि बेहद खूबसूरत। ये गर्भगृह है जहाँ विष्णु जी की मूर्ति थी, जो अब यहाँ नहीं रखी गई है। मुझे आइडिया नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं था कि ऐसा क्यों हटा दी गई है शायद यहाँ से। और ये सामने देखिए, ये जो छोटा मंदिर है जहाँ शिवलिंग विराजमान था, ये है बहू का मंदिर। इसकी नक्काशी भी बेहद खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं सास के मंदिर से बहू के मंदिर में। आइए चलते हैं। बेहद खूबसूरत, शब्दों में बताना एकदम आसान नहीं होगा मेरे लिए कि कितना खूबसूरत मंदिर लग रहा है। चारों तरफ ये खुला आंगन, बीच में मंदिर, और बस आप समझ सकते हैं देख करके। ये देखिए, पूरी सिटी दिखाई दे रही है यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर शिवलिंग रखा गया था। हम लोग साइड साइड से ही गए थे। मैं गुजारिश करती हूँ कि बीच से ना जाया करें, वहाँ पहले मंदिर पे शिवलिंग रखा हुआ था। ये सास का मंदिर, सामने बहू का मंदिर। तो ये है सलमान खान का स्कूल, द सिंधिया स्कूल। वाओ, ये देखिए फोर्ट के पास ही ये बहुत बड़ा कैंपस है जिसमें सिंधिया स्कूल है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स पढ़े हुए हैं, सबसे ज्यादा तो मतलब सलमान खान यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए आप, ये है वो स्कूल। अब हम आ गए हैं तेलिका मंदिर। ये तेलिका मंदिर यहाँ के व्यापारियों द्वारा बनवाया गया था, जो दक्षिण
कला के आधार पर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। अंदर काफी अंधेरा था तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन मंदिर बाहर से बहुत खूबसूरत है। अब हम चल रहे हैं वापस, लेकिन रास्ते में ये जो पहाड़ है यहाँ पर काफी सारी मूर्तियां उकेरी हुई थी, बनाई हुई थी। ये देखिए बुद्ध जी हैं, मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। अब टाइम आ गया है खाना खाने का, तो यहाँ आया है छोला भटूरा का प्लेट, और ये कल से फैन हो गई है पुलाव की, तो ये खा रही है पुलाव। मुझे पुलाव बहुत पसंद आया था इसलिए मैं खा रही हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? खा पी करके अब हम लोग एकदम रिलैक्स वाले जोन में आ चुके हैं, जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ थोड़ा सा आराम करेंगे। आज हमारी एनिवर्सरी है। मेरी नहीं है, मैं हर देश से हमारी शादी की सालगिरह आप लोगों ने विश किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो जाइए टाइप करिए मुझे एनिवर्सरी विश करिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और हम लोग शाम को क्या कर रहे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि हम लोग अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। रहा नहीं जाता, अभी तो बस एक्सप्लोर कर रहे थे ग्वालियर को, वो सारी चीजें हो गई जितनी आज हो सकती थी, बाकी का देखते हैं कल क्या क्या चीजें होती हैं। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग